अब तक आपने देखा कंस को अपनी लीला में उलझा, खत्री पर्वत पर कंस से पूर्व पहुंचने में सफल हो जाते हैं और भ्रम के टूटते ही कंस भी खत्री पर्वत पहुंच देवी योगमाया को प्रकट होने को कहता है। प्रतिमा से बाहर निकल, प्रकट हो, बता कौन है वो बालक। और जब देवी योगमाया प्रकट नहीं होती हैं, तब कंस क्रोधित हो एक गोप की बलि चढ़ाने की घोषणा करता है, किंतु कान्हा अपनी बुद्धिमत्ता से उसे वहाँ से लौटने को बाध्य कर देते हैं। निराशा से झल्लाया कंस खत्री पर्वत को उखाड़ नष्ट करने को आगे बढ़ता है और कान्हा संकट से घिरे गांव वालों तथा योगमाया की रक्षा का वचन देते हैं। अब आगे कैसे रोकूं कंस को? कंस ने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि उसे रोकने का कोई मार्ग ही नहीं है। हाँ, मैया कहती है कि हमारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है, हमें संपूर्ण सृष्टि का भार होता है। कंस ने अपनी शक्ति से इस पर्वत को उठा तो लिया है, किंतु सृष्टि के भार को धारण नहीं कर सकता। अब उसे इस पर्वत को नीचे रखना ही होगा। इस पर्वत का भार कैसे बढ़ने लगा? चतुरात्मा, कर ले जितनी चतुराई करनी है, रचना जितनी माया रचनी है, किंतु आज मैं तेरा कोई छल सफल नहीं होने दूंगा। शांत हो गया। जब स्वयं नारायण हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें किस बात का भय? क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? इसका भार बढ़ता जा रहा है और अत्यंत भार के कारण मेरी भुजाएं नहीं हिल रही। मेरी शक्तियां भी कार्य नहीं कर रही। चलिए विष्णु, अधर्म कभी हार नहीं सकता, मैं कभी पराजित नहीं हो सकता।
पर क्या कर रहे हो मूर्खो? करो, मेरे हाथ दबे हुए हैं, तो हटो यहां से। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। भगवान, मुझे लग रहा है ये विष्णु की माया है। इसे बचने के लिए आपको अपना नहीं विष्णु का नाम जपना होगा। भगवान, भगवान, भगवान। नारायण नारायण। प्रभु, पापी कंस का ये क्रोध बता रहा है कि उसे ये बात समझ में आ गई कि उससे भी बड़ी कोई शक्ति इस संसार में, अन्यथा वो तो अपने आप को सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ समझता था, किंतु प्रभु आपने उसके लघुता का आभास करा ही दिया। नारायण नारायण। सभी लोग सुनिए, अब खत्री पर्वत पुनः अपने स्थान पर स्थिर हो चुका है। चिंता की कोई बात नहीं, संकट टल चुका है। बलराम, लल्ला कहाँ? क्या? कान्हा? इसका मतलब कान्हा यहाँ नहीं है। तेरे साथ नहीं था? काकी, यही तो सबसे बड़ा संकट है। ये कान्हा कब कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। नंजी, नंजी, हमें लल्ला को ढूंढना होगा। लल्ला, काकी! लल्ला! काकी, मेरे रहते हुए आपको कान्हा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसे अभी ढूंढ कर लेके आता हूँ। काकी, हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा कर। ओ विश्वरेता, स्वयं को ब्रह्मांड का बीज समझने वाले, क्या चाहता है कि मैं तेरे सहस्त्र नामों का जाप आरंभ कर दूं? तुझे लगता है कि तेरी माया के सबक मैं इतना विवश हो गया हूं कि तुझे तीन बंधु दीनानाथ, दीनदयाल, शरणदाता, पारब्रह्म, परमेश्वर कहकर अपने जीवन की प्रार्थना करो। नारायण नारायण। प्रभु, शत्रु भाव से ही सही, किंतु ये पापी कंस आपके सहस्त्र नामों का ही जाप कर रहा है। अपनी अज्ञानता में भी यह धर्मी कंस आप ही को पुकार रहा है। प्रभु, सतात्मा विष्णु, अपनी ये माया समाप्त करके देख, मुझे एक बार मुक्त करके देख। रब चानोड़। जी भगवान। इस विष्णु की माया से मुक्त होने का बस अब एक ही मार्ग है। मेरे ये हाथ काट दो। नहीं भगवान, नहीं। महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आधी शक्तियां समाप्त हो सकती है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा अस्तित्व यही समाप्त हो जाएगा। देख क्या रहे हो मूर्खो? आज्ञा का पालन हो। नारायण नारायण। प्रभु, आपसे भी बड़ा आपका नाम है और आप तो समात्मा है। प्रभु, इस संसार में सभी जीवों को आप एक समान देखते हैं, किंतु प्रभु, इस पापी कंस ने आपके सहस्त्र नामों का जाप किया है। शत्रु भाव में की गई आपकी भक्ति का आप उसे फल देंगे। प्रभु, देव ऋषि, जो मोहे भजे सो मोहे पावे,
त्रेता युग में आदि कवि वाल्मीकि ने मेरे उल्टे नाम का जाप किया था, किंतु तब भी मैं उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए कंस चाहे कितना भी अधर्मी या पापी क्यों ना हो, किंतु यदि उसने मेरे नाम का जाप किया तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। सत्य वचन प्रभु, नारायण नारायण। जीवित रहना चाहते हो तो काट दो मेरे हाथ। नारायण नारायण। प्रभु, जिस कंस के अंत के लिए आपने अवतार लिया है, आज अनजाने में की गई उसकी भक्ति के लिए आपने उसके प्राणों की रक्षा की है प्रभु। धन्य है आपकी महिमा प्रभु, और धन्य है आप। हाँ प्रभु, यदि आप ही कंस की रक्षा करेंगे तो कंस का अंत कैसे होगा? देवी, मैंने अधर्मी कंस की नहीं अपितु भक्त कंस की रक्षा की। एक ऐसे मनुष्य की रक्षा की जिसने सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण किया, और यदि कंस अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसका अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि वह पुनः अधर्म के मार्ग पर चलता है तो जिस प्रकार मैंने उसकी रक्षा की ठीक उसी प्रकार मैं उसका वध भी करूंगा। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। कान्हा, कान्हा तुम कहाँ हो? कान्हा, कान्हा, ना जाने ही कान्हा कहाँ चला गया। कान्हा, ओ नमा। कान्हा, कान्हा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ अकेले किस लिए बैठे हो। चलो, यशोदा काकी और नंद बाबा तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे हैं। दाऊ, वो सब ठीक तो है ना? खाना, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं चलता है। केवल वही लोग नहीं अपितु सभी लोग सुरक्षित है कान्हा। और देखो, अब तो खत्री पर्वत भी पुनः अपने स्थान पे स्थिर हो गया है। हाँ दाऊ। ग्वाले, अब तुम यह मत कहना कि यह कार्बिन तुम नहीं किया है। नहीं गोपी, भला ऐसा कहकर मैं तुमसे झगड़ा क्यों मोल लूंगा? अच्छा, तो हमारा प्रश्न करना तुम्हें इतना बुरा लगता है? नहीं नहीं गोपी, तुम्हारे प्रश्नों में प्रेम छुपा होता है। और प्रश्न करो ना। हाँ, तो यह बताओ, सारे लोगों से अलग तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे थे? वो हाँ गोपी, मैं ना इस समस्या का हल ढूंढने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। वाले गोपी, बाकी के प्रश्न तुम मुझसे बाद में कर लेना, किंतु पहले मुझे मैया बाबा से तो मिलने दो। चलिए दाओ। चलो कान्हा। ग्वाली, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। जब तुम कोई कार्य नहीं करते तो उसका श्रेय अवश्य लेते हो, और जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसका श्रेय नहीं लेते हो। किंतु हम भी राजा हैं, तुम्हारे सत्य तुम्हारे मुख से बुलवा कर ही रहेंगे। भगवान क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आपकी बुझाए कांति भगवान। भगवान कंस की पूजा है? सुरक्षित है। ये भगवान कंस, विश्वक्सेन विष्णु,
तुझे ये नाम इसलिए दिया गया ना क्योंकि बड़ी से बड़ी सेना भी तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, किंतु इस बार तेरा सामना स्वयं भगवान कंस से हुआ है। मैं तेरी योग माया से उस बाल अवतार का सत्य जानकर रहूंगा। किंतु महाराज, अब तो योग माया तक पहुंचने के सभी मार्ग बंद हो चुके। मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं किशनी, बंद नहीं। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत महाराज। किंतु क्यों? विंध्याचल, तो समझ लो कि जितने भी अवरुद्ध मार्ग थे वो सब खुल गए। काना, हम तो यहाँ संकटों का निवारण के लिए आए थे, किंतु यहाँ तो हमारा जीवन ही संकट में पड़ गया था। हाँ काना, अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, अब हमें यहाँ से लौट चलना चाहिए। काका, किंतु कल अष्टमी है, कुलदेवी की पूजा का दिन, इसलिए तो हम यहाँ आए थे काका। अब अपनी कुलदेवी का भंडारा किए बिना हम यहाँ से जा भी तो नहीं सकते ना काका। हाँ काना, हम वृंदावन जाकर भंडारे का आयोजन कर देंगे, किंतु यहाँ और अधिक रुककर हम अपनी मृत्यु को आमंत्रण नहीं दे सकते। किंतु गोपी, जो भूल हमने पहले की थी यहाँ से लौटकर उससे भी बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ रुककर भी हमने अपनी कुलदेवी का भंडारा ना किया तो यह हमारी कुलदेवी के लिए उनका सबसे बड़ा अपमान होगा। मैया। हाँ लला, किंतु कान्हा, हमारे मन में देवी के प्रति श्रद्धा है, किंतु हमें अपना जीवन सबसे अधिक प्यारा है। काका, आपको क्या लगता है इतने बड़े संकट से हमारी रक्षा किसने की? मृत्यु हमारे इतने समय पाकर भी हमें क्यों नहीं छू पाई? क्योंकि हमारी कुलदेवी हमारे साथ थी, उन्होंने हमारी रक्षा की, इसलिए हम में से किसी का अहित नहीं हुआ। जो अहित हुआ है वो सधर्मी कंस का हुआ है, है ना मैया? हाँ लला। आप सब लोग अपने जीवन रक्षा के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं ना, किंतु देवी हमारी रक्षा नहीं करती तो हम यहाँ जीवित खड़े नहीं होते। ओ विद्याचल, विंध्याचल, ओ पर्वत के सम्राट, इतना तज और जाग, स्वयं भगवान कंस तुझे पुकार रहे हैं। आशीर्वाद। स्वयं को भगवान कहने वाले कंस को आज विंध्याचल का स्मरण कैसे हो आया? सहानुभूति, तुम्हें देखकर मुझे तुमसे सहानुभूति हो आई है विंध्याचल। कारण? कारण, कारण तो तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। देखो खत्री पर्वत को, तुमसे कितना छोटा है, किंतु संसार में सबसे अधिक पूजनीय है। देवी योग माया स्वयं निवास करती है उस पर, और तो और दुर्लभ औषधियों ने भी खत्री पर्वत को ही अपना निवास स्थल चुना है। और तुम देखो, जो पर्वतों का सम्राट होने योग्य है उस पर तो
घास का एक तिनका तक नहीं उगता। लल्ला सत्य कह रहा है, अपनी कुलदेवी योग माया पर अविश्वास ही हमारे संकटों का कारण। यदि आप में से कोई भी वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, किंतु मैं माता का भंडारा किए बिना यहां से वापस नहीं जाऊंगी। तुमने बिल्कुल उचित बात कही यशोदा, जब मां का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम पर कोई संकट नहीं आ सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अष्टमी की पूजा किए बिना हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। बोल